दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आपके गमले के अंदर काफ़ी सारे जो वीड आपको देखने को मिलती है, और ये काफ़ी कॉमन भी होती है और काफ़ी अनकॉमन भी होती है, क्योंकि जैसे काफ़ी वीड्स को हम जानते हैं। ये जैसे आप सामने देखेंगे, ये बथुआ है, और जिसे हम इंडियन डिश में काफ़ी काम में लेते हैं। तो और काफ़ी कुछ ऐसी है जिसे हम नहीं भी जानते, लेकिन ये आखिर काम क्या करती है? ये आपके जो भी मिट्टी से पोषक तत्व है वो पूरा यूटिलाइज कर लेती है, या मतलब पूरा काम में ले लेती है, और ज़मीन पोषक तत्व की कमी करती है। साथ ही साथ कुछ ऐसी वीड हो सकती है जो आपकी मिट्टी के लिए, आपके पौधे के लिए काफ़ी लाभदायक हो, और उसमें से ये मुझे अभी देखने को मिली। इसमें आप देखेंगे, इसमें कुछ नाइट्रोजन के जो ये आपको देखने को मिल रही है नोड्यूल्स है इसके अंदर, जिससे ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है एनवायरनमेंट से आपके नाइट्रोजन को लेके। तो इस तरह की जो भी आप ये जो नोड देख पा रहे हैं, ये आपके पौधे के लिए, आपके ज़मीन के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि इस तरह के नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन के जो बैक्टीरिया जो रहते हैं, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, ये काफ़ी इस तरह के जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है वो इनमें रहते हैं, और मिट्टी से अपना संपर्क बना के और पौधे को अपना जो भी एनर्जी है और वो अपना देते हैं, ताकि पौधा अच्छे से ग्रो करे। और इसमें वीड है, तो इस तरीके से आप इसे कोशिश करें कि इस तरह की जो भी वीड है वो आप उगने दें, और एक निश्चित है कि इसकी जो फ्लावरिंग आती है उससे पहले इसको उखाड़ के वापस इसको आपके ज़मीन के अंदर, आपके गमले मिट्टी के अंदर आप इसे वापस डाल दें, ताकि ये जो आपका न्यूट्रिएंट का जो लॉस है वो ना हो। तो इस तरीके से आपकी जो भी पुरानी पत्तियां हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और अपने जो पोषक तत्व हैं उनको आप बचा सकते हैं, और आपकी जो मिट्टी है उसको और ज़्यादा स्वस्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।